लोकल गाय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉइड लॉलीपॉप 5.1 कैसे इंस्टॉल करते हैं। यह है मेरा फोन सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड i9082 जो एंड्रॉइड जेली बीन 4.2.2 पे चल रहा है। पिछले 3 साल से सैमसंग का कोई अपडेट नहीं आया, फोन बहुत ही स्लो चल रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नया एंड्रॉइड वर्जन लॉलीपॉप इंस्टॉल किया जाए। नया वर्जन इंस्टॉल करने से पहले फोन का EFS बैकअप ले ले। यहाँ मैं गूगल प्ले स्टोर से EFS बैकअप ऐप यूज कर रहा हूँ। EFS फाइल्स का बैकअप लेने के बाद उसको फोन मेमोरी से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव पे कॉपी कर दीजिए। इन फाइल्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। CM12.1 और GAPS फाइल्स को फोन के एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड पर कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपको फोन रूट करना पड़ेगा। रूट के बिना आप नया रोम फ्लैश नहीं कर सकते। USB डीबगिंग ऑन कर दीजिए और आपका सिम कार्ड बाहर निकाल लीजिए। फोन का कंप्लीट बैकअप लेना ना भूले। अब आपका फोन टर्न ऑफ कर दीजिए और वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन और मेनू बटन को एक साथ दबा दीजिए, जिससे आप ऑडिन मोड में चले जाएंगे। ऑडिन मोड से ही आप अपने फोन को फ्लैश कर सकते हैं। नए रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने PC पे ऑडिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। USB केबल को फोन से कनेक्ट कर दीजिए और आगे बढ़ने के लिए वॉल्यूम अप बटन दबाएं। अब ऑडिन सॉफ्टवेयर पे PDA बटन क्लिक करके CWM कस्टम रोम जिप फाइल सिलेक्ट करें और स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। आपके फोन पे प्रोग्रेस बार दिखाई देगा और कुछ ही सेकंड्स में आपको पास्ट स्टेटस डिस्प्ले होगा। उसका मतलब है कि आपने अपने फोन को सक्सेसफुली फ्लैश किया है। वॉल्यूम अप, पावर और मेनू बटन को एक साथ प्रेस कीजिए, जिससे आप क्लॉकवर्क रिकवरी मोड में चले जाएंगे। स्क्रॉल करने के लिए वॉल्यूम अप डाउन यूज कीजिए और एंटर के लिए पावर बटन यूज कीजिए। अब 3 स्टेप फॉलो कीजिए। पहला, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट। दूसरा, वाइप कैशे पार्टीशन। और तीसरा, एडवांस में जाके वाइप डाल्विक कैशे। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए इंस्टॉल जिप फ्रॉम SD कार्ड। उसके बाद चूज कीजिए जिप फ्रॉम एक्सटर्नल SD कार्ड और इंस्टॉल कीजिए CM12.1 और GAPS फाइल्स को 1x1।
अब बैक जाके आपके फोन को रिबूट कर दीजिए। रूट को फिक्स करने का प्रॉम्प्ट आएगा, आप सिलेक्ट कीजिए यस। रिबूट करने के बाद आपको स्क्रीन पे साइनोजन मोड का लोगो फ्लैश होते हुए दिखेगा। 4 से 5 मिनट के बाद आपको सेटअप स्क्रीन मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सेटअप को कंप्लीट कीजिए। फाइनली आपने स्मूथ और फास्ट एंड्रॉइड लॉलीपॉप 5.1 को सक्सेसफुली इंस्टॉल किया। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिए लोकल गाय यूट्यूब चैनल पे।